मुगलाई स्टू, वेजिटेरियन हो, मटन हो, चाइनीज हो, चाइनीज नहीं चिकन हो, कोई भी हो, मुझे बहुत पसंद है। विद रुमाली रोटी मेरा जो फेवरेट डिश या फूड है, मतलब मुझे वेज नॉन वेज दोनों ही पसंद हैं, और मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ बहुत अच्छी वाली तड़के वाली मसूर की दाल और स्पाइसी गोभी की सब्ज़ी, और अगर उसके साथ थोड़ा सा मलाई चिकन का वो मिल जाए तो खाओगे किस चीज़ के साथ? चावल खाएंगे रोटी के साथ, देसी घी लगा हुआ उसके ऊपर। माय मदर मेक्स सरसों की मछली वेरी वेल एंड आलू बड़ी की सब्जी। बड़ी पता नहीं, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन पंजाब पंजाब में मिलता है बड़ी बड़ी। बड़ी होती है दाल की, बड़ी दाल की बड़ी होती है, तो आलू बड़ी की सब्जी और चावल एनी टाइम। जैसा संजय भैया ने कहा, मेरे साथ भी माय मदर यूज्ड टू कुक सरसों का साग, बहुत अच्छा। मतलब मेरी दादी भी बहुत अच्छा बनाती थी वो, और बचपन में मक्का की रोटी नहीं अच्छी लगती थी, ऐसा कॉम्बिनेशन कहते हैं कि सरसों का साग और मक्का की रोटी, लेकिन सरसों का साग उस पे सफ़ेद वाला मक्खन, मक्खन हल्का नोनी घी कहते हैं उसको, और घी लगी हुई रोटी, घी बहुत पसंद है, खाया बहुत है ना बचपन से, इसलिए बहुत ताकतवर है हम। बहुत खाना वाना जब मैं बनाता हूँ तो सबसे पहले पत्नी से पूछता हूँ इसमें क्या क्या हो, बाकी ये है कि बचपन की याद आ जाती है, तो जिस तरफ रुझान बचपन से था। खाना बनाना मेरे हिसाब से एक पेंटिंग है, जो आप हर बार बनाते हो अलग अलग तरीके से बनाते हो, वही एक चीज़ अलग अलग तरीके से देखते हो, आप किसके लिए खाना बना रहे हो उसकी शक्ल भी थोड़ी याद होनी चाहिए कि मैं इसके लिए ये खाना बना रहा हूँ, किसी को इनवाइट किया। जनरली हम एक्ट्रेस खासकर हम, मतलब अब वो वक्त तो रहा नहीं कि खाना ही बनाना है, लेकिन मैं अपने गाड़ी में सामान वामान रखता हूँ, चार लोगों को देखता हूँ इन लोग के लिए बनाना है, तो उन्हीं के तरीके से कि मैं खाना बनाता हूँ, टेस्ट के हिसाब से बनाता हूँ। बचपन से घर में बोलते थे, अरे मीट ला रहा है दिखा के मत ले, नज़र लग जाएगा। तो अभी मैं कुछ दिन पहले अपने बर्थडे पे बहुत जल्दी जल्दी मैं 10 बजे पहुंचा था घर रात में, और कुछ लोगों को इनवाइट किया था, मैं घर में घुसते ही मेकअप भी नहीं उतारा, मटन रख दिया सब कुछ हांडी में रख के बना ही रहा हूँ, तो मेरी एक कज़न सिस्टर आ गई, अरे अरे मैंने वक्त गया, आज नहीं बनेगा, आज नहीं बनेगा ये। और लास्ट में मटन चला, गल ही नहीं रहा मटन, नमक भी ज़्यादा हो गया है। मैं बिलीव करता हूँ ऐसे कि खाना सुमड़ी में चुपचाप बना लो। हाँ, ये अकेले में बनाना चाहिए, कोई हांडी में आके जाकर देखे कैसा बन रहा है। क्या कहते हैं, थोड़ा सा 10 लोग लगते हैं और बेकार खाना, ऐसा कुछ कहावत भी है। कहावत है मतलब, हाँ मतलब वो एक है कि कुछ 12 खोपड़ी लग गई, मैं तो कह रहा हूँ नमक डाल दे, मैं तो कह रहा हूँ हल्दी इतनी कम क्यों, अरे हल्दी डाला आपने वो नहीं, तो वो बाद में सामाजिक बलात्कार ही हो जाता है खाने का। थोड़ा मतलब अकेला आदमी बनाए, एक हाथ का खाना होना चाहिए, वही जैसे इन्होंने कहा कि खाना एक पेंटिंग है, तो चार लोग मिलके पेंटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक अकेला आदमी किचन में खड़ा होकर खाना बनाए, जैसे आई लव टू कुक अलोन इन दी यू नो किचन, इवन यहाँ तक होता है कि हाँ अगर बिरयानी या कोरमा बना रहा हूँ तो उसमें प्याज किस तरह से कटनी चाहिए, विद आई कैन कट बट नो वन कांट, सो वो गड़बड़ हो जाता है, सिंगल हैंडेड।